अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम उज्जैन में महाकाल की कृपा से बौद्धिक दिव्यांग अमरजीत को मिला परिवार। 1500 किलोमीटर पिता नम आंखों से अपने पुत्र को लेने सेवा धाम आश्रम पहुंचे। अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम उज्जैन संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम में 1500 किलोमीटर ग्राम डहरिया पटना बिहार से एक दुखी पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने गुम हुए पुत्र को लेने आश्रम आए। भगवान महाकाल की ऐसी कृपा होगी यह कल्पना नहीं थी। अमरजीत बौद्धिक दिव्यांग जिसे अपने माता पिता या घर का पता नहीं मालूम था, जिसे थाना माधवनगर क्षेत्र में घूमते हुए पाया और 2 माह पूर्व आश्रम पहुंचाया। आश्रम के आत्मीय वातावरण और चिकित्सा देखभाल में स्मृति अचानक लौट आई और उसने अपने पिता का मोबाइल नंबर बालक गृह में रहने वाले सुमित कुमार को बताया। सुमित कुमार ने फोन लगाया और उसके पिता ने उठाते ही उसकी आवाज सुन पहचान लिया एवं तत्पश्चात सुधीर भाई द्वारा उन्हें आश्वस्त किया कि उनका पुत्र सुरक्षित सेवा धाम आश्रम में है और यहाँ आने को कहा। विश्व परिवार दिवस पर सुबह उनके पिता आश्रम आए और अपने पुत्र को देखकर उससे लिपट कर रोने लगे और उसे गले लगा लिया। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने अपने पुत्र को स्वस्थ स्थिति में देखते हुए कहा कि जब से अमरजीत का समाचार पूरे गाँव में पता चला और सभी ने इंटरनेट पर उज्जैन के बाबा महाकाल और आश्रम को देखा है, सब बाबा महाकाल का धन्यवाद कर रहे हैं और सभी अमरजीत से मिलने के लिए आतुर हैं। इस अवसर पर सुधीर भाई ने आश्रम की परंपरा अनुसार अमरजीत का मंगल तिलक माला उपहार मिष्ठान खिलाकर अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित कर परिवार में पुनर्वसित किया। पिता जयप्रकाश पासवान ने भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। सुधीर भाई का कहना है आश्रम में ऐसे अनगिनत बच्चों युवाओं स्त्री पुरुषों और वृद्ध जनों को पूरे भारत से अपनाया और परिवार में पुनर्वास किया। सुधीर भाई ने बताया कि मुझे अनेक वर्ष हो चुके हैं बच्चों युवाओं और बुजुर्गों के साथ कार्य करते हुए और हमारे देश में परिवार जैसी संस्था के माध्यम से पीड़ित जनों की सेवा का कार्य होता है, परंतु उसी समाज में माँ बाप का भी भरण पोषण करने को कोई तैयार नहीं होता है। अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम विगत 36 वर्षों से समाज से बेसहारा बेघर निराश्रित मरणासन समाज और परिवार से बहिष्कृत तिरस्कृतों की सेवा का कार्य कर रहा है। वर्तमान में आश्रम के 850 सदस्य एक वृहद परिवार के रूप में मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और जो कि हम बहुत ढूंढे, रेलगाड़ी से कहीं छूट गया था, हमको पता नहीं चल रहा था और यहाँ जो है कुछ पता चला कि सेवा धाम में है। सेवा धाम में पुलिस द्वारा पहुंचाया गया या वो तो हमको जानकारी नहीं थी और यहाँ सेवा धाम का सुमित जी ने हमको फोन किया नंबर बच्चे से पूछ करके किसी हालत में, तो वो जो है जानकारी मिला तो बहुत हमको खुशी हुआ। उसमें जो कि इस सेवा धाम आने के बाद मेरा लड़का बहुत अच्छा तरह से मिला और उसके बाद सुधीर जी से फोन किए, सुधीर जी हमको बोला हाँ सही में सेवा धाम में बच्चा अमरजीत नाम का है, तो इसको हमको बहुत प्रसन्नता हुआ और इस सेवा धाम का बहुत हार्दिक हम अभिनंदन करता हूँ। आज कैसा लग रहा है आपको अपने बच्चे से मिलकर? मेरे कैसा लग रहा है? बच्चे से मिलने के बाद मेरे बहुत खुशहाली हुई और बहुत सम्मान मिला यहाँ पर ये सुधीर जी के सेवा स्थान में, और बहुत खुशी की बात है कि मेरे ऊपर वो भगवान बन के सुधीर जी बहुत इस बच्चे का माँ बाप बन के रखा। ओके गुरु जी, आज एक बच्चा अपने घर वापस जा रहा है, काफ़ी प्रसन्नता का माहौल यहाँ पर दिख रहा है। एक कब बच्चा यहाँ पर किस अवस्था में आया था और आज ये किस तरह से अपने पिताजी से मिला? पुलिस थाना माधवनगर उज्जैन से 4 अप्रैल 2024 को अमरजीत नाम का ये बच्चा जो बिहार का रहने वाला है सेवाधाम आश्रम में आया था और उस समय पुलिस ने बाल कल्याण समिति में इसको जब यहाँ पर घूमते हुए देखा तो वहाँ प्रस्तुत किया। चूँकि उम्र ज़्यादा थी तो उन्होंने सीधा पुलिस के माध्यम से यहाँ भेजा। अमरजीत विक्षिप्तावस्था में था, काफ़ी ये उस समय मानसिक रूप से त्रस्त था, किंतु यहाँ उसका उपचार हुआ, उसको आत्मीयता प्रेम विश्वास मिला,
फिर अभी 4 दिन पहले ही इसने अचानक अपने घर का फ़ोन नंबर बताया। हमारे बालक सुमित ने घर में बात की, उसके पिता ने मुझसे बात की, पिता की बात अमरजीत से करवाई और कुल मिलाकर आज उसके पिता बिना रिजर्वेशन के अपने साथी के साथ यहाँ आए, क्योंकि और बता रहे पूरा गांव इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वास्तव में जब कोई बच्चा घर से चले जाता है तो केवल माता पिता की चिंता नहीं होती है, वो जो जहाँ रहता है वो पूरे क्षेत्र की चिंता होती है। और मैंने देखा कि आज दोनों जब मिल रहे थे खूब दुखी थे, दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे। और हम भी धन्य हैं कि आज ये यहाँ पर से जा रहा है और यहाँ जो आता है वो हमारे परिवार का सदस्य होता है, जैसे हमारे अपने परिवार के हमारे बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से हम इनको मानते हैं। और अमरजीत के लिए तमाम शुभकामनाएं कि अमरजीत अपने घर में परिवार में सुखी रहे, और परिवार से भी अपेक्षा है कि वो इस बच्चे का पूरा ख्याल रखें, अभी कभी ऐसी स्थिति ना आए ये घर से निकल कर वो कहीं जाए। मैं तमाम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और इनके पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमने बिहार के कई लोगों को अपने घर भेजा है, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजा है, हमने बंगाल के लोगों को घर भेजा है, देश के तमाम हिस्से से लोग यहाँ आते हैं, पुलिस के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, बाल कल्याण समिति के माध्यम से, महिला बाल विकास के माध्यम से, और हम उनको अपने घर में भेजकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं। आज ये बच्चा भी यहाँ से अपने घर को प्रस्थान कर रहा है, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ओम विश्वानि देव सर्वदुर्तान प्रस्फुट भद्रम तरनाश, परमात्मा सुखी रखें।